Welcome students, I am Rashmi, your English teacher, and today we are doing CBSE sample paper of this current year 2022. So are you ready? Let us come. See students, you must be perplexed to see that exams time is very less with us and a lot of syllabus, and corona also, you know, the bad impact upon all of us. But in spite of that, we should not worry. Okay? And such a pattern I have brought for you that if you do seriously, I can say surely you will get pass. एक जस्ट वेन वी डू द स्टडी विद स्ट्रेटजी, जब हम एक योजनाबद्ध तरीके से एक काम करते हैं तो हम सिर्फ पास ही नहीं बल्कि हमारे अच्छे नंबर भी आएंगे. तो आप ये वीडियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड आपको देखना है बेटा, और बीच में आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, क्योंकि यदि कोई पॉइंट रह गया फिर आपके एनुअल एग्जाम में नंबर कम आ सकते हैं. ठीक है? और यदि अभी तक आपने अपनी मैडम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा वो भी आप जरूर करना. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. ये देखिए, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है. मैंने सैंपल पेपर आपके सामने में नहीं लाई क्योंकि वो आपको पता ही है, हम उस पर बेस्ड बाकी सिलेबस कैसे करें ये मैं आपको बताऊंगी. ठीक है? अब देखिए, टाइम है 2 आवर्स, सबको पता है 2 घंटे टाइम है. सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव मैंने आपको कॉपीज में लिखना है, 2 नंबर के 4 नंबर के. ठीक है? आपको लिखना है, अब ऑब्जेक्टिव नहीं है बेटा, ये हमारा सेमेस्टर 2 है और हमें लिखना है. सब्जेक्टिव पेपर हो गया, मार्क्स 40 नंबर का पेपर है बेटा, और जो 10 नंबर आपके हैं वो आपके असेसमेंट के, वर्कशीट्स के या प्रोजेक्ट वर्क के, जो भी आप काम करोगे उसके आपके नंबर हैं. ये जो मेरी वीडियो है 9th और 10th, मैंने दोनों क्लासेस के लिए बनाई है. सिर्फ राइटिंग सेक्शन में 9th क्लास का अलग है, बाकी आपकी वीडियो सारी एक जैसी चलेगी. तो दोनों क्लासेस 9th एंड 10th प्लीज ध्यान से देखेंगे. अब आ जाइए सबसे पहले हमारा रीडिंग सेक्शन. देखिए, आप लोगों को अक्सर डर लगता है, रीडिंग सेक्शन देखते ही सोचते हैं अरे ये कहां की इंग्लिश आ गई, हम तो ये कर ही नहीं सकते. देखिए, अब आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको आज से ही डेली एक पैरा लेना है अनसीन. यदि आप कहोगे मैडम अनसीन कैसे करें, समझ तो इंग्लिश आई नहीं थी, ये बात भी ठीक है. तो आप क्या करेंगे, जो आपकी स्टोरी बुक है उसमें से आप सीन पैसेज लेके खुद क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और करना शुरू करेंगे. एक पैरे में से 4 क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, आप जरूर कर लोगे. देखिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. तो आपके पास जो है 2 पैरे होंगे, 5 + 5 = 10 मार्क्स. तो 10 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन एंड क्वेश्चन विल बी 12 एंड यू विल हैव टू डू 10. हर पहरे में 6 क्वेश्चन होंगे और आपको बेटा 5 करने होंगे. तो रीडिंग सेक्शन क्लियर हो गया, थोड़ा वर्ड मीनिंग याद कर लो, थोड़ा आपका और आपका जो है विजन वाइड होगा. थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा नंबर लेने के लिए, इसको आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है. ठीक? अब आ जाइए आप राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन जैसे मैंने आपको अभी बता दिया था कि सिर्फ 9th क्लास का जो इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन है ये डिफरेंट है. 5 नंबर की डायरी और या स्टोरी राइटिंग आपके पास आएगी. मैंने अच्छी तरह से दोनों वीडियोस बना रखी हैं, 9th के बच्चे आराम से देख सकते हैं और कर लेंगे. तो अब जो है 9th का तो राइटिंग सेक्शन ओवर, अब आ जाइए आप हमारी जो है 10th क्लास. 10th क्लास के पास बेटा ये देखिए, आपके पास लेटर आएंगे, लेटर बेस्ड ऑन सिचुएशन, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी है या ऑर्डर किताबों का देना है या आपके जो गेम्स के कुछ भी चीज आपको मंगवानी है. जस्ट एज इस बार का देखिए, मैं आपको ये पढ़ रही हूँ, यू आर समीरा जावेरी, क्लास 10th, वडोदरा गुजरात, यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ये आपकी लोकल लाइब्रेरी का नोटिस बोर्ड है और इसके आधार पर एजुकेशनल बोर्ड गेम,
टीन टॉगल गेम्स ये सब आपका दे रखा है, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, और इसके बेस पर आपको लेटर लिखना है। तो लेटर की भी मैंने आपको वीडियोस बनाकर दे रखी हैं फॉर्मल लेटर की, वो आप जरूर देखना। और यदि कुछ और भी आपको लगेगा कि नहीं मैडम हमें और प्रैक्टिस चाहिए, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। और जो दूसरा है आपका वो है एनालिटिकल पैरा, बेटे इसकी भी बहुत वीडियोस बना रखी हैं, वो भी आप प्लीज जरूर कीजिएगा। और इसके ऊपर आपको एक चीज करनी है बेटा, या तो आपको एनालिटिकल पैरा करना है या आपको लेटर करना है। ये 5 नंबर के हैं और वर्ड लिमिट रहेगी 100 to 120, मतलब आप ये समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली आपका एक पेज बनेगा, एक पेज या थोड़ा सा और कुछ फालतू हो जाएगा लाइक दिस, 3-4 लाइन एक्स्ट्रा, ये आपका बनेगा। तो राइटिंग सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए ग्रामर, ग्रामर 5 मार्क्स की है बेटा आपकी, 5 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन, 5 मार्क्स की आपकी ग्रामर। इसके अंदर क्या है, 3 मार्क्स का जो है आपका टेंस बेस, डिटरमिनर बेस, मॉडल बेस, आपके जो है एरर करेक्शन करनी आएगी। पर एक बात का आप बेटा ध्यान रखेंगे कि आपको एरर भी लिखनी है। ये देखिए, छोड़ना मत कि आप एरर आपने नहीं लिखी। जैसे एडिटिंग ग्रामर में हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड, अब आपको देखकर पता चल रहा है गलती कि लर्न हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं बहुत बार आपको करवा चुकी हूं। अब यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, एरर लर्न और करेक्शन लर्न, LEARNT, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये समझ में आ गया। ऐसे डिटरमिनर्स का दे देंगे जो है, जैसे मिल्क के साथ हम जो है लिटिल लगाते हैं, आपका मच लगाएंगे, और जो आपका ये है फ्यू आ फ्यू, ये आप काउंटिंग में। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ए एन द, इसकी भी गलती आ सकती है आपके पास। अब ये देखिए आपका डायलॉग राइटिंग जो मैं आपको बता रही हूं 2 नंबर का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपको करवा रखे हैं अच्छी तरह से, आप जानते हैं। टीचर व्हाई आर यू क्राइंग सीता, अब यदि सिंपल इनडायरेक्ट होता तो आप ये बनाते जो है टीचर आस्क्ड, अब यहां पर ये आपको दिया हुआ आएगा एग्जाम में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायलॉग राइटिंग। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब जैसे द टीचर आस्क्ड, ये आपको दिया हुआ होगा, और 3-4 लाइनें और दे रखी होंगी, मैंने बेटा सारा नहीं लिखा क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो द टीचर आस्क्ड व्हाई शी वाज क्राइंग। समझ में आ गई। तो ये चीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप बहुत अच्छे से करेंगे। अब यदि आ जाएगा सीता आंसर्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम लेट, तो जस्ट फिर आंसर में क्या जाएगा, सीता आंसर्ड दैट शी वॉज लेट। सो इट इज कॉल्ड डायलॉग राइटिंग। क्लियर हो गया ये चीज भी आपको। सो स्टूडेंट्स नाउ कम्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज लिटरेचर। ये बहुत अच्छे से करना है बेटा, ये आपका 20 मार्क्स है और इसके अंदर 7 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है और आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, मीन्स 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए आप लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 दे रखे होंगे और आपको 2 करने हैं, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4, इसका मतलब 2 क्वेश्चन 8 नंबर के, तो 8 और उधर से 12 कितने हो गए बेटा, 20। सो 20 मार्क्स का आपका जो है ये लिटरेचर हो गया। और ये वर्ड लिमिट देखिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट है 30 to 40, और जो आपके बिग हैं लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको एक क्वेश्चन 120 वर्ड्स का आपका होना चाहिए। बहुत अच्छे से लिखना है, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना है। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताऊंगी, इस बार जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको क्रिटिकली एनालाइज करने हैं। ऐसे नहीं सीधा कि आपने भोली का करेक्टर लिख दिया, नहीं। अब देखिए, जैसे जस्ट रेज मैं आपको पढ़कर ही बताती हूँ, पेरेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्रिटिकली एग्जामिन द पेरेंट्स ऑफ भोली एंड अब्राई, हाईलाइटिंग देयर इम्पैक्ट ऑन देयर चिल्ड्रन लाइफ। तो यहां पर आपको कंपेयर करना है, आपको भोली का भी पता होना चाहिए और अब्राइट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी आपको पता चलना चाहिए। एक कंपैरिजन में आपको जो है स्टोरी देनी है। और अगला क्वेश्चन में है, जैसे प्रंजोल एंड राजवीर डिस्कस देयर नेक्स्ट वेकेशन डेस्टिनेशन, दे शॉर्टलिस्ट कुर्ग एंड गोवा। तो ऐसे ही आपको कुर्ग और गोवा,
इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए और इस टाइप के आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो आई होप कि बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और साफ राइटिंग में करने हैं, ठीक है। सो आई होप यू विल डू वेरी नाइसली। ओके स्टूडेंट्स, बाय।